सोचा है आपके बिना वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? इसीलिए LIC में हम जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हैं। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में आज वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता में तहसील संगरिया के नुकेरा गाँव में दो नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप प्रकरण पर कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार भारत की संस्कृति के मूल्य की रक्षा करना जानती है और भारत की महान संस्कृति है यंत्र पूज्यते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। इसी प्रकार हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं पर अत्याचार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उक्त घटना बड़ी ही अमानवीय है और इसमें हमारी सरकार पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए संकल्पित है। बता दें कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से निरंतर मेरी बात चल रही है, इसमें जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र जी ने बताया कि संघर्ष समिति उनकी वार्ता हुई है और उन्होंने जो मांगे रखी हैं वह सभी मांगे मानते हुए पीड़ित बच्चियों और उनके परिवार की हर संभव सहायता करने के लिए राजस्थान सरकार तत्पर है। शेष अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा पीड़ित बच्चियों के परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व विधायक गुरदीप शापिनी, पूर्व जिला प्रमुख दमयंती बेनीवाल, जिला महामंत्री विकास गुप्ता, सदस्यता अभियान के जिला संयोजक डॉक्टर बात भूषण शर्मा, मीडिया प्रभारी महेश शर्मा, झम्मन पाईवाल, कुलवंत सिंह, गजेंद्र सिंह, प्रवीण कटारिया आदि मौजूद थे। आइए विस्तार से जानते हैं पत्रकार वार्ता में क्या बोले वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक। क्योंकि हमारी जो पार्टी है BJP पार्टी, ये सिद्धांतवादी पार्टी है और हमारा सिद्धांत है भारतीय संस्कृति के मूल्यों की रक्षा करना। जो भारत की महान संस्कृति है कि यत्र पूजन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता, तो हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो महिलाओं पर कोई अत्याचार हो तो हम सहन नहीं करते। तो इसके लिए यहाँ पर SP कलेक्टर, इनसे मेरी बीच बीच में बात होती रही है, उनको बताया भी दिया गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, क्योंकि पहले काम तो करवाना था, SP कलेक्टर से काफ़ी कुछ काम करवा चुके थे, तो फिर यहाँ पर आकर के मैं पीड़ित परिवार है, पीड़िता है, उनसे मैं मिला हूँ। उसके बाद में मैं जो धरना स्थल है संघर्ष समिति के लोगों से मिला हूँ मैं, और बाद में वहीं पर उन्होंने मुझे ये मांग पत्र दिया है। कलेक्टर साहब से, SP से बात हुई और उन्होंने कहा कि डेलीगेशन, तो उस डेलीगेशन को जितने भी ये जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं उन सबको बुलाया। वहाँ पर एक एक पॉइंट पर मैंने बात करी। उनमें से 3 पॉइंट्स थे जो कि पुलिस से रिलेटेड थे कि वो HSO को बर्खास्त करो, जांच अधिकारी को बर्खास्त करो और पीड़िता पर जिसने थप्पड़ मारा पुलिसकर्मी ने उसको भी बर्खास्त। तो देखिए ये तो है हमारे यहाँ पर देश में रूल ऑफ लॉ, और जस्टिस क्या है कि लेट दी 99 कल्प्रिट बी सेट फ्री बट 1 इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पेनलाइज। चाहे 99 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरअपराधी को सजा नहीं मिलती है, इसलिए कानून ऐसे हैं। तो इसके तहत मैंने SP साहब को कहा है कि जिसने बालिका को थप्पड़ मारा है उसको सस्पेंशन लेकर जल्दी इशू हो जाएगा, और ये दोनों अधिकारी हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है, और वो अपराधी पाए जाते हैं तो उनकी भी कठोर कार्रवाई होगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इसके अलावा एक और, जिस ढंग से कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार से ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त थी, पेपर लीक, तो उसके कारण ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट कौन सा राज्य है, दुर्भाग्य से हमारा। तो भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। हमने करीबन 165-167 लोगों को बिहाइंड दी बार डाल दिया जेल में और बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी जा रही, और हम उसका एक्शन ले रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो दरिंदगी